कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं रहे। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत ही दुखदायी समाचार है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा घाटा है समुची राजनीति के लिए, सारे देश के लिए, समूह पंजाबियों के लिए और सारे सिख जगत के लिए। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल उनका शरीर जो है 10 बजे श्रोमणी अकाली दल के हेड ऑफिस चंडीगढ़ में 28 सेक्टर में लाया जाएगा। 10 से 12 सारे वर्कर और जो भी दर्शन करना चाहे वहां दर्शन कर सकेगा। 12 बजे हम उनको सत्कार के साथ काफले की शक्ल में बादल गांव की तरफ लेके जाएंगे। काफला पार्टी हेड ऑफिस से चलेगा, उसके बाद जो है पटियाला, पहले राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा फोर्ड, बठिंडा और बादल गांव। हाईवे के ऊपर काफला चलेगा, जिसने भी दर्शन करने हो वो इस प्रोग्राम के मुताबिक आ सकता है। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत बड़ा घाटा है, परमात्मा विछड़ी आत्मा को शांति बख्शे और सबको ये दुख सहने की शक्ति बख्शे। कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं रहे। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत ही दुखदायी समाचार है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा घाटा है समुची राजनीति के लिए, सारे देश के लिए, समूह पंजाबियों के लिए और सारे सिख जगत के लिए। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल उनका शरीर जो है 10 बजे श्रोमणी अकाली दल के हेड ऑफिस चंडीगढ़ में 28 सेक्टर में लाया जाएगा। 10 से 12 सारे वर्कर और जो भी दर्शन करना चाहे वहां दर्शन कर सकेगा। 12 बजे हम उनको सत्कार के साथ काफले की शक्ल में बादल गांव की तरफ लेके जाएंगे। काफला पार्टी हेड ऑफिस से चलेगा, उसके बाद जो है पटियाला, पहले राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा फोर्ड, बठिंडा और बादल गांव। हाईवे के ऊपर काफला चलेगा, जिसने भी दर्शन करने हो वो इस प्रोग्राम के मुताबिक आ सकता है। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत बड़ा घाटा है, परमात्मा विछड़ी आत्मा को शांति बख्शे और सबको ये दुख सहने की शक्ति बख्शे। कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं रहे। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत ही दुखदायी समाचार है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे वो आज नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा घाटा है समुची राजनीति के लिए, सारे देश के लिए, समूह पंजाबियों के लिए और सारे सिख जगत के लिए। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल उनका शरीर जो है 10 बजे श्रोमणी अकाली दल के हेड ऑफिस चंडीगढ़ में 28 सेक्टर में लाया जाएगा। 10 से 12 सारे वर्कर और जो भी दर्शन करना चाहे वहां दर्शन कर सकेगा। 12 बजे हम उनको सत्कार के साथ काफले की शक्ल में बादल गांव की तरफ लेके जाएंगे। काफला पार्टी हेड ऑफिस से चलेगा, उसके बाद जो है पटियाला, पहले राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा फोर्ड, बठिंडा और बादल गांव। हाईवे के ऊपर काफला चलेगा, जिसने भी दर्शन करने हो वो इस प्रोग्राम के मुताबिक आ सकता है। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत बड़ा घाटा है, परमात्मा विछड़ी आत्मा को शांति बख्शे और सबको ये दुख सहने की शक्ति बख्शे। कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब
जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे, वो आज नहीं रहे। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत ही दुखदायी समाचार है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, जो श्रोमणी अकाली दल के सरपरस्त थे और साबका मुख्यमंत्री थे, वो आज नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा घाटा है समुची राजनीति के लिए, सारे देश के लिए, समूह पंजाबियों के लिए और सारे सिख जगत के लिए। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कल उनका शरीर जो है 10 बजे श्रोमणी अकाली दल के हेड ऑफिस चंडीगढ़ में 28 सेक्टर में लाया जाएगा। 10 से 12 सारे वर्कर और जो भी दर्शन करना चाहे वहां दर्शन कर सकेगा। 12 बजे हम उनको सत्कार के साथ काफले की शक्ल में बादल गांव की तरफ लेके जाएंगे। काफला पार्टी हेड ऑफिस से चलेगा, उसके बाद जो है पटियाला, पहले राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा फोर्ड, बठिंडा और बादल गांव। हाईवे के ऊपर काफला चलेगा, जिसने भी दर्शन करने हो वो इस प्रोग्राम के मुताबिक आ सकता है। परसों 1 बजे उनका अंतिम संस्कार बादल गांव में किया जाएगा। बहुत बड़ा घाटा है, परमात्मा विछड़ी आत्मा को शांति बख्शे और सबको ये दुख सहने की शक्ति बख्शे।